स्वागत है आपके मऊ के बॉर्डर पार्क में जो कि रतनपुरा में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपका अभय सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मऊ वाले भैया पे। फाइनली बहुत दिनों बाद मैं अपने दोनों दोस्तों से मिला हूँ। हालांकि अविनेश से मुलाकात होती रहती है और पैथोस हमारे भाई आए हैं, कुछ दिनों के लिए आते रहते हैं मऊ में बीच बीच में। तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क जो कि आपका रतनपुरा में है और काफी बड़ा है और हर साल से इस बार भी कुछ ना कुछ नया ऐड किया गया है। तो जैसा कि मेरा पुराना ब्लॉग में मैंने आपको लोकेशन दिखाया है, इस समय हम लोग बलिया मोड़ पर स्थित हैं। यहाँ से मैं आपको रूट दिखाऊंगा और रास्ता दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको जाना है। और फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं बलिया मोड़ पर। यहाँ से ये कोपा जाता है और ये जाता है आपका रतनपुरा बलिया, तो इसी वाले रोड पे आपको आगे बढ़ना है। फाइनली हम लोग अदरी आ चुके हैं। ये आपका पहला पासा मार्केट है जिसे आपको क्रॉस करना है। ये पहला फाटक है जो आप पार करेंगे। ये पहला फाटक आप देख सकते हैं, इसी को पार करते ही यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूर वाटर पार्क है। आपको एक पुलिस स्टेशन मिलेगा जो कि थाना कोतवाली हल्दापुर है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क पे। आप लोग देख सकते हैं कि रतनपुरा के बहुत करीब हम लोग वाटर पार्क पे आ चुके हैं और ये रहा वाटर पार्क इस समय। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या रेट है यहाँ पे इस समय। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलेगा और 500 रुपया टिकट भी है इसका। बाकी दिन 400 रुपया रेट है, रविवार को 500 रुपया रेट है। फाइनली हम लोग आ गए हैं वाटर पार्क में। काफ़ी क्या फीस है यहाँ पे इस समय? फीस संडे के दिन क्या 500 और बाकी दिन आप आएंगे तो 400 रुपया है। बाकी बहुत बड़ा है। इस बार क्या क्या ऐड किया गया इसमें? नया कंट्रोल बन गया हमारा। स्काई साइकिल है, जीप लाइन है, उसके बाद साइकिलिंग ग्राउंड साइकिलिंग है। ये तमाम झूले हैं दो। हालांकि पूर्वांचल में इस बार सबसे इसी वाटर पार्क में भीड़ होता है। और फैसिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। बाकी आइए मैं आपको आज यहाँ पे हर झूला आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग ड्रेस वगैरह पहनेंगे, उसके बाद पूरा दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे पार्किंग का भी सिस्टम है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं पार्क में। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अभी है, इसको ऐड किया गया है। तो अभी इसका भी हम आपको दिखाएंगे और सारा एक ही झूला सब मैं आपको दिखाऊंगा। लॉकर सिस्टम भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, यहाँ पे हम लोग ड्रेस अभी चेंज करेंगे। अभी हम लोग रूम का लॉकर खोज रहे हैं जो कि ओह माय गॉड 40 नंबर हमारा है। पहला कैसा लग रहा है अभिनेश? आप पहली बार मतलब यहाँ के पाए तो सारे वाटरफॉल में हम पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है देख के? बड़ा भी है, काफी बड़ा है, स्पेस भी है, अच्छा लग रहा है। और क्या बताएंगे आप यहाँ के लोग, अगर लोग आना चाह रहे हैं अभी, मतलब क्या है आपका? एक बढ़िया एक लीजर टाइम, एक फ्री टाइम, अच्छे से फैमिली साथ आप आ सकते हैं, आ सकते हैं फैमिली। बाकी ठीक है। और भाई अविनेश भाई क्या लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। चलिए आइए चलते हैं वाटर पार्क में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क में। दोस्त बिक चुके हैं तो आइए मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। वेव चलेगा, ये वाला बहुत तगड़ा है। पहले भी हम ये देखिए अविनेश भाई कढ़ाई का मजा ले रहे हैं। अविनेश भाई यहाँ पे पैदोस कढ़ाई का मजा ले रहे हैं अविनेश भाई। और आइयो काफी बड़े यहाँ पे। अभी पहले हम लोग इस वाले पे चलते हैं, इसके ऊपर इस वाले चलते हैं। अरे बाबा, और पहले हम लोग इस वाले पे चलते हैं। अभी हम लोग इसके सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। ये वाला चल दो, ये वाला नहीं, ये ट्राई करना, घूमना नहीं मेरे भाई। सब अभी सब चालू हो जाएगा, सब धीरे धीरे चालू होगा। चलो चालू करो, सब चालू हो जाएगा। चलो जो अविनेश भाई, चलिए 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 अविनेश भाई, चलिए अविनेश अविनेश। और फाइनली हम लोग अब इस वाले में जा रहे हैं। सर की दे रहा भाई, चलो आप बताओ सही आए हो, रुक गए थे क्या? हम इस वाले पे जाने वाले हैं। फोम पे वो रहा, फोम वाला पगलेट। अब ये वाला ट्राई करते हैं हम लोग। इस वाले का नाम क्या है? नाम क्या है इस वाले का?
अविनाश भाई कैसा लगा आपको? साफ सफाई कैसी है, व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। मॉल में यार ऐसा चीजें होनी चाहिए जो कि मॉल पर आगे फैमिली साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण भी है इसमें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई, बेस्ट ऑफ लक। चलिए हमने सुनने चलिए, लेट के जाओ, लेट के गिरोगे। देखिए यहाँ पे भाई दो भाई गिरोगे सिक्स। ए धाम, चलिए 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 ले जाइए। अरे भाई 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 आराम से ए चलते उधर उधर चलते। अम्ब्रेला डांस, यहाँ पे अम्ब्रेला डांस होता है। फाइनली डीजे भी चालू हो गया है, सभी लोग दोस्तों के साथ में चलो। इस वाले भी चलते हैं हम लोग विद फैमिली। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है खुद से। अब ये देखिए ये वो ये अरे यार एक बार गए हो ना। अब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सबसे मजेदार यही है। अभी आपको देख सकते हैं लंबा स्लाइड भी है और काफी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये देखिए वन ये अब यहाँ पे आपको ये भाई गजब भीड़ हो रही है यहाँ पे। धीरे धीरे ये वाला चालू हो गया, सबसे लोग मजे में एकदम काफी तगड़ा है। और ये देखिए अच्छा अविनाश साहब, अविनाश की बारी है मेरे दोस्त की। और यहाँ पे सबसे मजेदार ये शानदार ये पाइटोस आ रहा है। ये देखिए और ये देखिए पाइटोस ये और फिलहाल अभी कुछ देर में वे भी चालू होगा तो पानी अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गहरा रहेगा। हाँ अभी चलेगा थोड़ी देर में, जैसे क्या होता ना कि अभी वहां से फिर यहाँ पर जाएंगे लोग। चले भाई चलिए। मेडक वाला भाई अरे के भी आप भी इंजॉय कर सकते हैं इस वाले में, मतलब टोटली फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। अब हम लोग जीप लाइन स्काई साइकिलिंग में जा रहे हैं जो कि रोप के हिसाब से हमें इधर से जाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से हमें भी जाना है। जीप लाइन वाला है ये, इस साल चालू हुआ है, काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। बाकी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। काफी ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, वहां तक जाएंगे, फिर वहां उतर जाएंगे। उनका टिकट अलग से लग रहा है, वो इंक्लूड नहीं है। जो 500 या 600 में जो उसकी फीस है एंट्री, उसमें वो इंक्लूड नहीं है, तो ये आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जीप लाइन पे है जो कि ऊपर है, काफी ऊपर है।
ब्लॉक आप देख सकते हैं। यहाँ से उस कॉर्नर पे जाना पड़ेगा यहाँ से, बाकी इसकी फीस कितनी है? ₹100 का चार्ज है दोनों का, इन दोनों का 50-50 चार्ज है। और इस समय हम जो इसके इंचार्ज हैं विकास भाई के साथ बात कर रहे हैं, और इसका चार्ज क्या है भाई? ₹100 दोनों का, जी ब्लाइंड का और साइकिलिंग का, मतलब 50 इसका 50 उसका। सौ का एक लोग का, मतलब ये दो बैठेंगे तो इसका ₹100 और उसका ₹100। चलिए चलते हैं, ये इस बार ऐड किया गया है और काफी तगड़ा है। और फिलहाल हम लोग अभी इस पे थे, हालांकि इस पे खड़ा नहीं था, हमें इस पे जाना था, अब हम इस पे चढ़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर वहां से जिपलाइन के थ्रू वहां जाएंगे। भाई मैं अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। कैसा लग रहा भाई? एक नंबर। तो ये हम लोग के लिए पहली बार हो रहा है यार, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अभी फिलहाल, और इसका चार्ज ₹100 है अगर आप आ रहे हैं, और सोच रहे फ्री है, ये इंक्लूड नहीं है फीस में, बाकी हम लोग चल रहे हैं इसमें। फाइनल बार बार अब फाइनल बार है विनीश भाई, मेरा दूसरा राउंड है, मैं पैसों के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो ढंग से बना नहीं पाया हूँ, तो ये दोबारा मैं जा रहा हूँ। अब पैसों भाई, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। फाइनली हम लोग जिपलाइन करने जा रहे हैं, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो आइए अभी देखता हूँ कैसा है। हालांकि विकास भाई को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये हमारी बहुत अच्छी तरह से फील कर रहे हैं। लिपन लग जाए तो पसीने पे आएगा तो बहुत जरूर ट्राई करेगा, काफी मजा आ रहा है इसमें। हालांकि थोड़ा सा डर लग रहा है अंदर से, जो पहली बार कर रहा है उसको डर तो लगेगा ही लगेगा। और फिलहाल हम लोग अब मैं देखता हूँ मेरे दोस्त और कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। ये यहाँ का कैंटीन है, आइए देखते कैंटीन में क्या क्या मिलता है अभी यहाँ पे फिलहाल। भाई तो भाई कैंटीन का यहाँ पे स्वाद कैसा है, मतलब यहाँ का फास्ट फूड कैसा है? ठीक है, मतलब इतनी भीड़ के हिसाब से ठीक है, टेस्ट अच्छा है। अच्छा अविनेश भाई कैसा लगा आपको? बढ़िया भाई, बढ़िया है। अभी हम लोग चाउमीन और यहाँ पे अभी यहाँ पे छोला भटूरा खत्म हो गया क्योंकि काफी भीड़ है यहाँ पे इस समय। नवरात्रि में से नॉनवेज का बंद है, आप अगर नॉनवेज लवर भी हैं तो यहाँ नॉनवेज भी मिलेगा, पर नवरात्रि में से बंद है फिलहाल, आप जैसे काफ़ी भीड़। चलिए खा के ट्राई करते हैं, बता दें कैसा है। और भैया फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे शाम को थोड़ी कम हो रही है, तो आप सुबह ही आइए, और अब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं वेव की ओर, क्योंकि भीड़ अब वेव पे होने वाली है, कुछ देर में वेव चालू होने वाला है, तो आइए चलते हैं वेव की तरफ। भाई फाइनली वेव चालू हो चुका है और हम लोग यहाँ पे सब लोग आनंद ले रहे हैं, और हम लोग भी अंदर आके चल के आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे वेव का बहुत तगड़ा ही चलवा रहता है। चलिए अंदर चलते हैं वेव के अंदर, और कुछ देर में वेव के अंदर जिगजैग वाला लहर चलेगी। देखिए लोग चला रहे हैं, कुछ देर में चालू होने वाला है, जब वेव चालू हुआ तो उसका अलग ही मजा रहेगा। कुछ देर में भीड़ बहुत ज़्यादा, देखिए पानी झरने से गिरने लगा, देखिए वेव चालू रखा, और वेव का जो मजा है वो अलग ही है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हल्का हल्का झिल रहा होगा, तो यहाँ पे बराबर यहाँ के स्टाफ रहते हैं जो कि लोगों को देखते रहते हैं कि कोई गिरे ना,
यहाँ पे लोग आ चुके हैं, क्योंकि जब वेव होता है, देखिए ये वेव हुआ तो लोग ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको कोई डूबे ना, इसलिए ये लोग रहते हैं। और इसमें अगर आप तैर नहीं पा रहे हैं तो आगे ज़्यादा मत जाए, क्योंकि आगे गहरा रहता है। ये देखिए अपने सोरे, चलो देखिए ये देखिए से निकल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से खुला रहता है और काफ़ी बड़ा है मऊ में, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। साफ सफाई का भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, मतलब मुझे कहीं भी कुछ ख़राब नहीं लगा और बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। फिलहाल हम लोग यहाँ टहल रहे हैं, बाकी हम लोग देख रहे हैं।